और इसी बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और सीएम भजनलाल की अमित शाह से मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने और मंथन किया है लोकसभा चुनाव की रणनीति पर। अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 25 सीटों का फीडबैक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की, प्रदेश की सभी 25 सीटों पर फीडबैक दिया है, रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देर शाम को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे थे और इसी बीच यह सबसे बड़ी खबर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, सीएम भजनलाल शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी को लेकर के सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे लखवीर का रुख कर लेंगे। लखवीर, क्या जानकारी है, मुख्यमंत्री की मुलाकात अब खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल गए हैं। करीब एक घंटे की मुलाकात हुई दोनों के बीच में, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ इस बैठक में है कि इस बैठक के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही दिल्ली आए हैं। उनको भी इस बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया था। इस बैठक से जब पहले गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अलग से मंथन हुआ है, क्योंकि जिन चीजों पर मंथन किया गया कि आखिरकार कैसे 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान में फतेह की जाए, क्या कुछ रोडमैप हो, उस पर इन दोनों नेताओं ने अलग से बैठकर भी रोडमैप बनाया है कि आखिरकार क्या क्या कठिनाई आ रही है और उनका क्या कुछ तोड़ रहे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को लेकर सजग हैं। वो चाहते हैं कि राजस्थान जिस प्रकार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालता है, उस पर फिर एक बार हैट्रिक लगे। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया था, जो कि अब बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। तो लखवीर, गृहमंत्री अमित शाह खुद भी राजस्थान के दौरे से लौटे हैं, तमाम स्थितियों को उन्होंने देखा है, क्या कोई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं सीएम को? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी स्तर पर कोई कमी है प्रदेश इकाई में तो समन्वय स्थापित किया जाए और जो भी कठिनाइयां या परेशानियां आ रही हैं उसको केंद्रीय आलाकमान तक पहुंचाया जाए। और साफ तौर पर इस बात पर भी डिस्कशन हुआ है।